सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमडीएस किंग्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट का डे टू है, तो कोडेक्स की टीम आ चुकी है, जसरोटिया ई स्पोर्ट्स आ चुकी है, टीएचएम ऑफिशियल आ चुकी है, डिस्ट्रॉयर लीडर है, यहाँ पे एमडीएस किंग्स आ चुके हैं, टीम एमडीएस आ चुकी है, और यहाँ पे टारगन की टीम फिनिक्स आ चुकी है, बुइया ऑलवेज टॉप वन वाली टीम है ये, और यहाँ पे आरडीएक्स विक्की डैम आ चुकी है, और यहाँ पे टीजी डेविल की भी टीम टीजी आ चुकी है। तो बाकी की दो टीम्स जो टूर्नामेंट में अभी नहीं आ पाई है, तो वो डे थ्री के अंदर जो आ जाएंगी। तो अभी के लिए जो है हम टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं, और अगर गाइज वो टीम्स नहीं आ पाई है तो उसके लिए उनको 0 पॉइंट्स बिल्कुल मिलने वाले हैं, क्योंकि गाइज अगर आपका कोई पर्सनल वर्क है और आप नहीं आ पाए हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते गाइज। अगर आप चाहते हैं कि टूर्नामेंट का टाइम चेंज किया जाए तो उसमें उसके लिए हम कुछ सोच सकते हैं कि टाइम जो है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन गाइज बाकी के प्लेयर्स के बारे में सोचना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रॉयर की पूरी टीएचएम ऑफिशियल जो आ चुकी है, यहाँ पे चारों के चारों प्लेयर्स आ चुके हैं, और गोडेक्स की भी चारों के चारों प्लेयर्स आ चुके हैं। गोडेक्स की टीम की बात की जाए गाइज, तो डे फर्स्ट में ये पूरी टीम नहीं आ पाई थी, लेकिन इससे पहले के दो प्रैक्टिस मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं। टीम एमडीएस के भी चारों प्लेयर्स आ चुके हैं। गोडेक्स की टीम को जो है फर्स्ट टूर्नामेंट में यहाँ पे 0 पॉइंट्स मिले थे, क्योंकि ये भी नहीं आ पाए थे। यहाँ पे टार्जन को देखा जाए तो टीम फिनिक्स नंबर टॉप वन पे टीम है, और इसमें बुइया निकला था डे फर्स्ट में, बहुत ही बढ़िया टीम है, तो ये भी आ चुके हैं यहाँ पे, और सबसे बढ़िया किल करने वाली टीम है टीम फिनिक्स। तो आज का डे टू का जो हमारा टूर्नामेंट है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी प्लेयर्स जो है ज्वाइन हो चुके हैं रूम के अंदर, और यहाँ पे मिल की तरफ जो है यहाँ पे देखा जाए तो ब्लू जोन बना हुआ है, और यहाँ पे अगर टीम एमडीएस की बात की जाए तो वो मिल की तरफ ही उतरेंगे, क्योंकि उनका ऑलवेज मिल पे उतरना रहता है। और अगर देखा जाए यहाँ पे टीम जसरोतिया ई स्पोर्ट्स को, तो वो भी जो है ऑब्जर्वेटरी की तरफ उतरेंगे, क्योंकि वो ऑलवेज ऑब्जर्वेटरी की तरफ उतरते हैं, और एमडीएस आज यहाँ पे जो है मिल पे उतर चुके हैं, वो रोनू ऑब्जर्वेटरी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही। और यहाँ पे जो है गोड केनन की टीम जो है ये जा रही है, और यहाँ पे शायद थोड़ा ग्लिच हो गया है मेरा, तो पता नहीं चल रहा है, चारों तरफ मैप पे घूम रहा है, पता नहीं है टीम कहाँ जा रही है। यहाँ पे टीएचएम निकिता को देखा जाए तो टीएचएम ऑफिशियल जो है यहाँ पे हंगर की तरफ जा रही है शायद। जी हाँ गाइज, ये टीम हंगर की तरफ जा रही है, जी बिल्कुल, डिस्ट्रॉयर की टीम जो है वो हंगर की तरफ जा रही है, और एमडीएस यश जो है यहाँ पे लूट कर रहे हैं। टीम एमडीएस पूरी मिल पे उतरी हुई है, लेकिन मुझे लग रहा था यहाँ पे कि अगर LR7 को देखा जाए तो ये जो है फैक्ट्री के ऊपर उतर चुके हैं यहाँ पे, और किसी भी टीम का प्लेयर यहाँ पे फैक्ट्री के ऊपर नहीं आया है। तो ये देखिए यहाँ पे इमोट करते हो बिल्कुल भी, इनको किसी भी बात का यहाँ पे प्रेशर फील नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लेयर जो यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो UVFF, और यहाँ पे ये देखिए गाइस यहाँ पे ग्लिच हो गया है मेरा, और टीजी टेबल को अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे व्यूज जो ऊपर का दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से सुधार हो गया है। यहाँ पे टीजी मोर्टल, जी बिल्कुल, यहाँ पे पिक पे उतरे हुए हैं टीजी मोर्टल की टीम, टीजी डेविल वगैरह सब। UVFF को देखा जाए तो RDX विक्की की टीम जोकर जो है वो रिमनाम पे आई हुई है, लेकिन गाइस रिमनाम से हंगर ज्यादा दूर पड़ता नहीं है। ये देखिए गाइस रिमनाम से हंगर दूर नहीं है, तो डिस्ट्रॉयर की टीम जो है रिमनाम पे शायद जा सकती है, या फिर रिमनाम से जो है RDX विक्की की टीम जो है वो हंगर पे आ सकती है। तो दोनों टीम्स की फाइट होना बिल्कुल, यहाँ पे 70-30% चांसेस है कि फाइट जो हो सकती है, और यहाँ पे प्रिंस फाइटी को देखा जाए तो टीम के बिल्कुल नज़दीक है ये, और कोल में डेड, और यहाँ पे गोडेक्स की पूरी टीम जो है यहाँ पे भीमा शक्ति पे उतरी हुई है, लूट कर रहे हैं अभी। टीजी डेविल की टीम जो है पिक पे आई हुई है, और बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे लूट कर रहे हैं अभी के लिए। एमडीएस शुभ को देखा जाए तो मिल पे ही है अभी भी, लूट कर रहे हैं। इन्होंने देखा है कि कोई भी टीम अभी मिल पे नहीं उतरी है, तो कोई भी प्रेशर इनको अभी फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे राजपूत और वरुणों को देखा जाए तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी पे लूट कर रहे हैं, पूरी जसरोतिया ई स्पोर्ट्स जो है ऑब्जर्वेटरी पे। यहाँ पे किसी ने जो है लंबोर्गिनी चलाई है शायद, मिस्टर पीयूष जो है बहुत मजाकिया मूड में चल रहे हैं अभी, और एमडीएस शुभम भी अभी यहीं पे मिल पे है, लूट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए डिस्ट्रॉयर को, तो वो अभी भी हंगर पे लूट कर रहे हैं। टीएचएम निकिता, एलेक्स और चारों प्लेयर्स जो अभी बिल्कुल सही तरीके से लूट कर रहे हैं, क्योंकि पता है गाइस कि इन टीम्स को कि बाकी की टीम्स को अगर हराना है तो अपने को एक परफेक्ट लूट करना पड़ेगा पहले, तो उसी में अभी ये बिजी है चारों के चारों प्लेयर्स। और यहाँ पे देखा जाए RDX विक्की की टीम को, जो तो अभी जो है रिम नाम पे लूट कर रहे हैं। टीजी मोर्टल, टीजी डेविल भी अभी पिक पे लूट कर रहे हैं, और यहाँ पे टीजी डेवल बहुत ही बढ़िया प्लेयर है,
टीजी राइडर की बात करें तो ये भी बहुत ही बढ़िया, इनका टीम का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। और आई एम टॉक्सिक को देखा जाए तो ये भी अभी पिक की तरफ ही लूट कर रहे हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे टॉक्सिक दूर रहे, बाकी के प्लेयर्स दो प्लेयर्स इधर है, तीन इधर है। LR7 लक्की को देखा जाए तो फैक्ट्री से नीचे की तरफ आ चुके हैं गाइज, पूरी की पूरी टीम फैक्ट्री से नीचे उतर चुकी है। MDS राज अभी भी मिल पर लूट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी टीम नहीं आई है, तो बहुत ही दूर है मिल, तो बहुत दूर है बाकी के प्लेयर्स से। तो अभी ये बिल्कुल ही यहाँ पे प्रोटेक्शन में है। यहाँ पे अगर टार्जन को देखा जाए, टीम फिनिक्स को, तो ये डे फर्स्ट में भी ये जो है भीमा शक्ति पे उतरे हुए थे, सेकेंड में भी जो है यहाँ पे भीमा शक्ति पे उतरे हुए हैं, शायद इनका गुड लक जो है भीमा शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे देखा जाए बाजीगर और THM को, तो पूरी THM ऑफिशियल जो है वो रिमनाम की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, तो इनको शायद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, या शायद इन्होंने नोटिस कभी किया भी हो कि सामने की तरफ एक टीम तो गई है, तो शायद ये जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम LR7 लक्की की टीम को देखा जाए तो वो अभी भी फैक्ट्री पे है, यहाँ पे ग्लू जो है दे रहे हैं, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं अपनी लूट टीम मेट्स एक दूसरे के साथ, और MDS शो बिल्कुल लूट करते हुए अभी के लिए। और अगर IDX अनिल की बात की जाए तो ये भी लूट शेयर कर रहे हैं अभी। ये क्या यहाँ पे देखा जाए LR7 की टीम से तो एक प्लेयर जो है डाउन होकर खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो है मिस्टर पीयूष गोडेक्स की पूरी टीम, नहीं, गोडेक्स की टीम जो है भीमा शक्ति पे ही है, लेकिन मिस्टर पीयूष अकेले यहाँ पे कार लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल गाइज यहाँ पे यह अकेला प्लेयर जो है पूरी कार लेकर LR7 लक्की की टीम के सामने खड़ा हुआ है, और सामने तीन प्लेयर्स जो है यहाँ पे LR7 लक्की की पूरी टीम से सपोर्ट कर रही है उस प्लेयर को, और यहाँ पे वो अकेला प्लेयर से सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहे हैं उनको नॉक करने की कोशिश, और गाइस यहाँ पे एक प्लेयर पूरा फायदा उठा के निकल चुका है, गोडेक्स टीम का एक प्लेयर जो है यहाँ पे LR7 लक्की की टीम के प्लेयर को किल करके वापस से निकल चुका है वहाँ से, और टीम की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे। और यहाँ पे IDX विक्की की टीम को टीम की बात करें हम तो फायरिंग हुई है शायद, और मुझे लगता है नोटिस किया है डिस्ट्रॉयर की टीम ने, या फिर शायद थोड़ा दूर है तो नोटिस नहीं भी किया होगा, लेकिन उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और सामने जो IDX विक्की की टीम जोकर है, तो यहाँ पे देखना है कि THM ऑफिशियल वर्सेस टीम जोकर होने वाला है, और यहाँ पे इमोट करके लूट ले रहे हैं ज्ञान जो है, यहाँ पे इन्होंने फायरिंग कर दी। अब तो बिल्कुल नोटिस किया होगा डिस्ट्रॉयर की टीम ने कि सामने बंदे हैं, और यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे देखिए कवर लेके जो है इन्होंने नोटिस किया कि सामने की तरफ जो है चार प्लेयर्स हैं, और LX और बिल्कुल साथ में कॉम्बिनेशन अभी बिल्कुल सही है इनका। डिस्ट्रॉयर जो है ऊपर की तरफ आ चुके हैं थोड़ा, और यहाँ पे बंदों को सपोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं अभी डिस्ट्रॉयर। और यहाँ पे IDX विक्की जो है ये पूरी की पूरी टीम जो है डिस्ट्रॉयर के पास में पहुंच चुके हैं, ज्ञान तो बिल्कुल घर के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ऊपर जो है डिस्ट्रॉयर है और ये यहाँ पे गन बदल रहे हैं भाई, यहाँ पे सबसे बेहतरीन बंदा इनके ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पे देखे THM निकिता पूरी की पूरी टीम जो डिस्ट्रॉयर के बैक, लेकिन डिस्ट्रॉयर भी बैक साइड जा रहे हैं, यहाँ पे जोन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जोन को कवर करके फाइटिंग ली जाए, लेकिन जो है इन्होंने स्पोर्ट कर लिया है। यहाँ पे IDX विक्की की टीम ने भी स्पोर्ट कर लिया है, यहाँ पे डिस्ट्रॉयर सबसे पीछे है और बाकी की तीन टीम टीम प्लेयर जो है बाकी आगे निकल चुके हैं, और IDX विक्की जो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि डिस्ट्रॉयर को किसी तरीके से यहीं पे रोक दिया जाए, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रॉयर सबसे पीछे रह गए। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इनके चांसेस है कि नोक हो सकते हैं क्योंकि सबसे पीछे है, लेकिन यहाँ पे इनकी बाकी यहाँ पे शायद इन्होंने कहीं ना कहीं बंदे को सपोर्ट किया तभी उन्होंने ड्रम को जो है फोड़ा है। यहाँ पे देखा जाए तो इनकी टीम में जो नैना की टीम में शायद कहीं ना कहीं एक बंदा जो है नोक हुआ है या फिर खत्म हुआ है, मेरे हिसाब से वो जो है डेंजर में खत्म हुआ है। और GodX की टीम को देखा जाए तो अभी भी भीमा शक्ति में है, THM निकिता डिस्ट्रॉयर यहाँ पे किल कर चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शायद इन्होंने IDX विक्की यहाँ पे लीडर को ही खत्म कर दिया है, टीम जोकर के लीडर खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे UVFA बचे हुए हैं और तीन ही प्लेयर इनके बचे हुए हैं। डिस्ट्रॉयर ने किल कर दिया है टीम जोकर के लीडर को, और डिस्ट्रॉयर जो है जोन कवर कर रहे हैं। यहाँ पे THM निकिता पीछे की तरफ है, अभी ब्लू यूज किया है और पीछे फंस चुके हैं, बाकी के प्लेयर्स थोड़े आगे हैं लेकिन इनको बिल्कुल भी कवर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बाकी के टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो आगे निकल चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे THM निकिता नोक हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से IDX विक्की की टीम ने जो है बदला लिया अपने लीडर को खत्म करने का यहाँ पे डिस्ट्रॉयर से, और THM ऑफिशियल से तो ये बदला लिया गया है यहाँ पे कि हमारे टीम के लीडर को आपने खत्म किया है, तो ये बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे जवाब मिला है IDX विक्की की टीम से यहाँ पे। और बाजीगर और डिस्ट्रॉयर जो अभी जोन कवर करने में लगे हुए हैं, और बाकी के प्लेयर्स को भी ये यही गाइड कर रहे हैं कि जोन को ज्यादा इंपॉर्टेंस
चांस दें अपन, और शायद इसी की वजह से जो पूरी टीम जो अभी थोड़े कॉम्बिनेशन में चल रही है, चाहे निकिता जो है खत्म हो चुका है, फिर भी LRS 7 को देखा, LRS लक्की जो है वो पोचिनो की तरफ आए हुए हैं, और TG डेविल को देखा जाए तो यहाँ पे ये कैंप कर रहे हैं घर के अंदर बैठे हुए, और MDS शुभ जो है इमोट दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ऑफ हो चुके हैं। डिस्ट्रॉय जो है हंगर की तरफ आ चुके हैं वापस से, और जसवत या राजपूत को देखा जाए तो ये टीम, इनकी टीम जो है शायद भीमा शक्ति की तरफ बढ़ रही है। लेकिन लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि भीमा शक्ति की तरफ, यहाँ पे जो है गोडेक्स की टीम थी भीमा शक्ति की तरफ, बिल्कुल हाँ, और यहाँ पे जसोदिया राजपूत जो है वो भी इनकी टीम को लेकर के भीमा शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके फाइटिंग के चांसेस भी यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम भी सामने, यहाँ पे डिस्ट्रॉयर को देखा जाए तो क्लॉक टावर के आगे की तरफ थोड़ा आना चाहते हैं, ये जोन को कवर करेंगे अभी। यहाँ पे UVFF जो उन्हीं डिस्ट्रॉयर की टीम को जो है यहाँ पे स्पोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, ये पीछे से जो है वो आगे आए होंगे। यहाँ पे डेविल की टीम के ऊपर जो है डेंजर बना हुआ है अभी, तो घर के अंदर ही सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अगर हम डेंजर की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच डेंजर बना हुआ है, तो शायद डेविल की टीम जो है और TG की टीम जो बिल्कुल बीचों बीच है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिनेश की टीम जो है वो थोड़ा आगे आ रही है, जी हाँ, भीमा शक्ति से आगे चली गई है, और TG की टीम इनके सामने हो सकती है यहाँ पे, और गोडेक्स की टीम को ये छोड़ आए हैं। UVFF जो है यहाँ पे फैक्ट्री की साइड आ चुके हैं, ज्ञान जो है थोड़ा क्लॉक टावर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे MDS राज को देखा जाए तो ये अब भी जो है इमोट आराम से दिखा रहे हैं कुछ भी। यहाँ पे जसवंतिया राजपूत के सामने जो फायरिंग हुई है, तो सामने TG की टीम है, यहाँ पे गोडेक्स को देखा जाए भीमा शक्ति पे है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया M82B का यूज़ करेंगे राजपूत, क्योंकि M82B प्लेयर है यहाँ पे, स्नाइपर प्लेयर है। TG डेविल ने भी स्पोर्ट किया होगा बंदों को, ये देखिए स्पोर्ट कर लिया यहाँ पे, स्कोप जो है ऑन ऑफ करके यहाँ पे बंदों को जो है एम मिला रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा डैमेज मिला है जसवंतिया राजपूत को और रोनू, और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम जो है डिस्ट्रॉयर जो जोन कवर करने में लगे हुए हैं। अभी क्लॉक टावर की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर फैक्ट्री की तरफ जाते तो इनको UVFF की टीम वापस से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें गोडेक्स की टीम की, तो भीमा शक्ति पे ही है, यहाँ पे लेजेंड UVFF और ये जो है फैक्ट्री की तरफ आ चुके हैं यहाँ पे, और आगे की तरफ जा रहे हैं, और LRS 7 की लक्की की टीम को देखा जाए तो ये पोचिनो की तरफ आ चुके हैं, और MDS शुभ जो है ऑफ हो चुके हैं, शायद बाजीगर ने नोटिस किया है सामने की तरफ बंदे हैं, सामने की तरफ प्लेयर्स आ चुके हैं, शायद वो जो है टार्जन की टीम के बंदे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जी बिल्कुल टार्जन के प्लेयर से सामने, और टार्जन की टीम आ चुकी है यहाँ पे, RDX नैना की टीम आ चुकी है, और फिनिक्स जो है यहाँ पे पूरा का यहाँ पे फिनिक्स टीम, फिनिक्स से टार्जन जो है बैक आ रहे हैं थोड़ा, और डिस्ट्रॉयर देखा जाए तो फैक्ट्री की साइड जा रहे हैं, और पूरे टीम को यही शायद ये जोन कवर कर रहे हैं, घूम के जाने वाले हैं जोन की तरफ, और वो बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं यहाँ पे अपनी टीम को कि जोन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डैमेज दिया है, डबल M82B का यूज़ किया है यहाँ पे, और नोक कर दिया है, लेकिन वो रिवाइव हो जाएंगे, IM Toxic नोक हुए थे लेकिन वो रिवाइव हो जाएंगे। यहाँ MDS शुभ जो है शायद ऑफ जा चुके हैं, डिस्ट्रॉयर यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए राजपूत है जो बहुत ही बढ़िया स्नाइपिंग का यूज़ कर रहे हैं। UVFF को देखा जाए तो ये प्रोचिनो की तरफ है, TG डेविल अभी भी यहाँ पे जो है कैंप करके बैठे हुए हैं, लेजेंड, और यहाँ पे जो दो टीम्स है शायद पोचिनो की तरफ दो टीम्स आए गई है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है INF Frame, यहाँ पे टार्जन को देखा जाए तो ये जो है अभी जोन कवर करेंगे, और शायद बहुत देर यहाँ पर रुकने के बाद इनको पता चला है कि शायद बंदे निकल चुके हैं यहाँ पे। देखें डिस्ट्रॉयर जो पोचिनो की तरफ है, लेकिन यहाँ सामने की तरफ जो है यहाँ पे टीम थी अभी, और वो जो है टीम पोचिनो पे उतरी हुई है, शायद पोचिनो की तरफ, यहाँ पे UVFF और ये जो है पोचिनो की तरफ आए हुए थे बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जीप का यूज करके पीक की तरफ आ रहे हैं, जोन को पूरा कवर करने में लगे हुए हैं सबकी सब टीम्स, और यहाँ पे डिस्ट्रॉयर ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर पीछे रह गए होंगे थोड़े तो शायद नोटिस किया होगा कि बंदा जो है जिप का यूज करके जो है शायद गया हुआ है। और यहाँ पे राजपूत जो है पूरा बिल्कुल प्रेशराइज जो है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे सामने TG मोर्टल की टीम है, और सामने वाली टीम पे बिल्कुल दबाव डाले हुए हैं यहाँ पे। और अगर हम UVFF की टीम को देखें तो पीक की साइड आ चुकी है, TG डेविल की टीम अभी पूरा है जो है दबाव डालने, बिल्कुल ये देखिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए गोडेक्स की टीम को, तो इन पे जो किसी ने रश किया हुआ है शायद, और यहाँ पे दो प्लेयर नॉक हो चुके हैं गोडेक्स की टीम को। यहाँ पे MDS ऑफलाइन हो चुके हैं, MDS यश हो या आगे निकल रहे हैं, जोन कवर करने में लगे हैं। यहाँ पे जो है टार्जन ने गोडेक्स की टीम को नॉक किया है, यहाँ पे देख सकते हैं RDX नैना ने जो किल कर लिया, अनिल ने किल कर लिया, टार्जन जो है यहाँ M82 पकड़े हुए हैं हाथ में, यहाँ पे दो प्लेयर किल हो चुके हैं, और देखा जाए गोडेक्स की टीम के तो थर्ड प्लेयर भी किल हो चुके हैं यहाँ पे, बस गोड केनन बचे हुए हैं आखिर की टीम लीडर बचे हुए हैं गोडेक्स की टीम के, तो देखना ये है कि क्या कर पाते हैं आखिर की। यहाँ पे शायद इन्होंने नोटिस किया है कि गोड केनन जो ऊपर की तरफ आए, कहीं ना कहीं यहाँ पे टार्जन ने नोटिस किया है,
और यहाँ पे जो है धर्मा समझ रहे हैं कि ब्लू के पीछे प्लेयर, लेकिन नहीं, गोडेक्स निकल चुके हैं वहां से, अकेले प्लेयर थे वो। यहाँ पे टार्जन के खाते में किल आ चुका है, एमडीएस शुभ भी जो है वो ऑन आ चुके हैं। डिस्टोर को देखा जाए तो पीक के मिडल पे आ चुके हैं, यहाँ पे पीक की मिल जो मेन घर में पीक है वहां पे आ चुके हैं। गोड केनन को देखा जाए यहाँ पे तो रैम्पेज के साइन यहाँ पे देखिए दीवार पे लगा रहे हैं, और इनको ये आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं। और डिस्टोर जो है यहाँ पे कैम्प करने का सोच रहे हैं। एमडी जश को देखा जाए तो जोन टू जोन कवर कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी फाइटिंग अभी नहीं लेना चाहते। यहाँ पे चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव है और इनको जो है एडवांटेज लेना है अपने चारों प्लेयर्स के अलाइव रहने का। यहाँ पे देखा जाए आरडीएक्स विक्की खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे टीम जोकर जो है यहाँ पे इन्होंने बंदों को स्पोर्ट किया है। यहाँ पे देखा जाए एमडीएस अभी भी यहीं पे खड़ी हुई है, इमोट दिखा रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं है। यहाँ पे टार्जन को देखा जाए तो गोडेक्स जो थे वो आगे के एल चैप के घेर में थे, लेकिन यहाँ पे क्या देखे, ये देखिए यहाँ पे जो गोडेक्स निकल चुके हैं वहां से, और ये जो सामने जसरूतिया ई स्पोर्ट्स के जो मेंबर है शायद और प्लेयर है सामने, यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे जो है रोनू ने बहुत ही बढ़िया हेड दिया है गोट केनन को, और यहाँ पे जो है जसोतिया राजपूत ने उनका किल लिया है। और यहाँ पे देखे हम टीजी राइडर को तो वो अभी भी उसी घर में कैंप कर रहे हैं। शुभ यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं है, ये टीम बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं है क्योंकि यहाँ पे बेफिक्र होकर ये इमोट दिखा रहे हैं। एलेक्स जो है यहाँ पे जो है कैंप कर रहे हैं, वह रोनू को देखा जाए तो ये टीम जो है ताबड़तोड़ खेल रही है अभी। और यहाँ पे अगर आरएफएफ थंडर और इनको देखा जाए तो थोड़े नीचे की तरफ से जोन कवर करने में लगे हुए, एलआर सेवन को देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ जाए अगर तो कहीं ना कहीं शायद एमडीएस को स्पोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रेम आगे की तरफ निकल रहे हैं, थोड़ा जोन कवर कर रहे हैं। टीजी डेविल अभी भी वही है, ज्ञान ने शायद किसी को स्पोर्ट किया है, ज्ञान ने जो है सामने जो है प्लेयर्स को स्पोर्ट किया है शायद, लेकिन के राइट साइड में टीजी की टीम मौजूद है। यहाँ पे आरएफएफ थंडर एमडीएस नीचे की तरफ आ चुके हैं बिल्कुल भी, यहाँ इन्होंने अभी तक कुछ भी फाइटिंग नहीं ली है। और यहाँ पे अगर राजपूत को देखा जाए तो ये सामने टीजी की टीम पे दबाव जो है डाले हुए हैं, और क्या है ये नहीं शायद यहाँ पे देखिए एमडीएस को टीम एमडीएस के प्लेयर्स को यहाँ पे इन्होंने नोटिस कर लिया है। पूरी एमडीएस किंग्स जो जितने भी प्लेयर्स देखे, चार प्लेयर्स तो सामने बिल्कुल बेफिक्र होकर सामने की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे सामने की तरफ जेबी की टीम है, यहाँ पे हेड लेने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं नहीं हेड नहीं लगा यहाँ इन्होंने। और यहाँ पे इनकी टीम के एक प्लेयर जो है डाउन हो चुके हैं, आरएफएफ थंडर डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे एमडीएस यस शायद उनको रिवाइव देने, एलआर सेवन जो बिल्कुल आगे बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं एलआर सेवन। यहाँ पे सामने पूरी टीम, यहाँ पे देखिए पूरी टीम टीजी है, यहाँ पे टीजी ने एलआर सेवन को किल कर दिया है। और देखा जाए तो यूवीएफएफ और लेजेंड ही बचे हुए हैं बस इनकी टीम में, और ज्ञान भी खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे राजपूत को देखा जाए तो एमएटूबी का यूज कर रहे हैं, अभी बंदों को सपोर्ट कर रहा है। टीजी डेविल ने जो है लेजेंड को भी खत्म कर दिया है, और यहाँ पे देखा जाए जसोटिया दिनेश को। गाइज ये टीम जो है बिल्कुल गिर चुकी है, गाइज बिल्कुल ही गिर चुकी है टीम। यहाँ पे एमडीएस डाउन हो चुके हैं, एमडीएस शूट यहाँ पे डैमेज दे रहे हैं, बीच में जो है जसोटिया ई स्पोर्ट अटकी हुई है कहीं ना कहीं। यहाँ पे वार रूम ने पीछे आके थोड़ा सा ग्रेनेड डाला, यहाँ पे एक बंदे को किल कर दिया। एमडीएस हेल्थ जो है किल हो चुके हैं, आरएफएफ थंडर भी किल हो चुके हैं, दोबारा से रिवाइव मिला था लेकिन किल हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा डैमेज पड़ा हुआ है, क्या है ये को तो वो मेडी मार रहे हैं। यहाँ पे राजपूत जो है पूरी पूरी सिचुएशन हैंडल करने में लगे हुए हैं अभी, क्योंकि टीम जो बिल्कुल बीच में फंस चुके हैं। यहाँ पे अनिल को देखा जाए तो ये इनको भी पता है सामने की तरफ बंदे हैं। यहाँ पे आईएनएफ प्रेम जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी का सोच रहे होंगे कि थर्ड पार्टी की जाए, इसलिए ये बिल्कुल जायजा ले रहे हैं बंदों का किस तरफ बंदे। टीजी डेविल को देखा जाए तो टीम नीचे उतर चुकी है, यहाँ पे दो बंदे नीचे हैं दो बंदे ऊपर है, कॉम्बिनेशन बिठा के ये पूरी टीम को जो भुया कराने का सोच रहे हैं। यहाँ पे टार्जन को देखा जाए तो जोन कवर करने में लगे हुए, डिस्ट्रोयर की टीम को देखा जाए तो बिल्कुल सही वहाँ से उतर चुके हैं, कैंप करना छोड़ दिया। और ये देखिए यहाँ पे ये जो है जोन जोन के बाहर से जो बंदे अंदर आ रहे हैं वहाँ पे उनको मारने का सोच रहे हैं। यहाँ पे राजपूत भी जो है पूरा नीचे की साइड जो बंदा है उसको मारने का सोच रहे हैं, इन्होंने स्पोर्ट कर लिया नीचे जो है बंदा है प्रेम जो नीचे थे। और यहाँ पे डिस्ट्रॉयर जो है यहाँ पे कवर टू फाइट खेलेंगे अभी, और यहाँ पे अनिल जो है जोन के अंदर आने का सोच रहे हैं, जोन कवर कर रहे हैं। यहाँ पे टार्जन लोग कर दिए गए, एलेक्स ने फायदा उठा लिया यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे टार्जन को किल कर दिया, यहाँ पे मेन लीडर को किल कर दिया गया है। डिस्ट्रॉयर जो है यहाँ पे सेफली खेल रहे हैं अभी, कुछ भी यहाँ पे उन्होंने फाइटिंग स्टार्ट नहीं की अभी, और बिल्कुल बंदों को स्पोर्ट कर रहे हैं वो प्लेयर्स को कि कहाँ है बंदे। यहाँ पे ये देखिए दो नेट्स डाले हैं बिल्कुल सही जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे जसरोतिया राजपूत की तरफ से बहुत ही बढ़िया वाला हेड दिया गया है और खत्म कर दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अगर जसरोतिया राजपूत और डिस्ट्रॉयर की टीम बची हुई है, और शायद कहीं ना कहीं टार्जन की जो भी टीम बची हुई है शायद, और यहाँ पे टीजी और जसरोतिया ई स्पोर्ट बची हुई है, और सामने डिस्ट्रॉयर की टीम है, और बीच में मोर्टल की टीम अटक चुके हैं यहाँ पे, और टॉक्सिक इसके चारों प्लेयर्स अलाइव है यहाँ पे। रोनू जो है यहाँ पे जसरोटिया ई स्पोर्ट्स की तरफ से नॉन स्टॉप यहाँ पे स्नाइपर चल रही है गाइस, यहाँ पे दो प्लेयर शायद दो या तीन प्लेयर स्नाइपर चला रहे हैं। यहाँ वार रोनू ने डिस्ट्रॉयर को किल कर दिया है, और यहाँ पे एलेक्स की तरफ से भी किल आया है, शायद एलेक्स ने जो है यहाँ पे इन्होंने रश कर दिया है, रश कर दिया गाइस यहाँ पे इन्होंने। और ये देखिए यहाँ पे टीम पीजी के ऊपर रश कर दिया गया है, यहाँ पे इनको एक प्लेयर जो नॉक हो चुका है यहाँ पे बाजी
फिगर को रिवाइव देते हुए। लेकिन यहाँ पे ये देखिए टीजी के जो है एक प्लेयर नीचे की तरफ आ चुके हैं और इनको भी जो है यहाँ पे MP40 का स्प्रे पड़ा है, यहाँ पे वो नोक हो चुके हैं। और अगर टीजी पे देखा जाए तो दो ही प्लेयर अभी अलाइव बचे हुए हैं, यहाँ पे ग्रेनेड का सोच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अगर तो गाइस यहाँ पे जो है जसूटिया दिनेश ने बाजीगर को भी खत्म कर दिया, एलेक्स को भी खत्म कर दिया। गाइस यहाँ पे जय की टीम ने जो है यहाँ पे लैंडमाइन से जो है जो नोक हो चुके हैं, दिनेश टीम के लीडर नोक हो चुके हैं लैंडमाइन से। और यहाँ पे रोनू रिवाइव देते हुए दिनेश को। यहाँ पे देखिए मोर्टल तो ये जो है दो प्लेयर बचे हुए हैं इनके साथ में, जो है यहाँ पे दो वेक्टर पकड़ी हुई है इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इनका फायदा है अभी, क्योंकि लॉन्ग में नहीं खेलना है, शॉर्ट में खेलना है। और यहाँ पे जो है ये भी नोक हो चुके हैं गाइस। यहाँ पे जसूटिया की टीम जो है पूरी की पूरी धूम मचा रखी है अभी टूर्नामेंट में। यहाँ पे दिनेश ने एक और किल निकाल लिया है। और यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे जसूटिया ईस्पोर्ट्स ने जो बुइया निकाल लिया है और गाइस बहुत ही बढ़िया जो है प्रदर्शन किया है टूर्नामेंट के अंदर। और वाकई में बहुत ही बढ़िया जो है प्रदर्शन किया गया है, यहाँ पे किल्स जो है बहुत ही अच्छे निकाले गए हैं और बहुत ही बढ़िया सिचुएशन को हैंडल किया गया है जसूटिया ईस्पोर्ट्स के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने किल्स जो है वो जसूटिया ईस्पोर्ट्स ने निकाले हुए हैं। सेकेंड पोजिशन फिर टीम टीजी आई हुई है सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे डिस्ट्रॉयर की टीम आई हुई है THM ऑफिशियल। तो गाइस बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर, टीम्स जो है काफ़ी अच्छी तरीके से खेली हुई है और बहुत ही बढ़िया जो है टूर्नामेंट जो है ख़त्म हुआ है। और यहाँ पे मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा मैं आज जसूटिया ई स्पोर्ट्स को। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे टीम का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही जमाया, टीम जो है बिल्कुल बीच में जो है जाके फंस गई थी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे MDS और इन्होंने चारों तरफ से ही टीम को जो घेर रखा था, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से हैंडल किया टीम को। जसूटिया भाई ने बिल्कुल भी सही तरीके से यहाँ पे लीडरशिप का रोल प्ले किया है। और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहाँ पे टूर्नामेंट का Day 3 भी मैं जल्दी से प्रीमियर कर दूंगा, तो गाइस वो भी जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले टूर्नामेंट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।